ये कह रहा था कि हनीमून हनीमून भी लाइक अच्छा वो पर्क्स मिल जाते हैं आप जब ट्रेवल कर रहे होते हैं, होटल में वो अपग्रेड कर देते हैं, कुछ चीजें रख हाँ, कि देते हैं, डिजर्ट हनीमून है वगैरह, जल्दी तो यस हम अभी भी दैट्स हनीमून चेप रहे हैं साल बाद कि हनीमून है कि हमारा हनीमून है जब तक आप नहीं भी सही है, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ठीक है. अच्छा तो मुलाकात इनकी हुई थी पहली, जो इनका पहला ड्रामा था. अगर आप लोगों ने इनके इंटरव्यू देखे तो कहानी आपको पता होगी, अगर नहीं पता उसके लिए हम समराइज कर देते हैं ताकि आगे जो हम बातें करें वो लोगों को. अच्छा अल्लाह मैं कितना बोल रही हूँ आज, बहुत बोल रही हूँ, आई हैव टू कट इट डाउन. दिस इंटरव्यू इसका मकसद ये है कि हम रिलेशनशिप्स पे बात करें, कुछ इन लोगों से सीखें, कुछ इन लोगों के क्या ख्यालात हैं, क्या ये किस प्रोसेस से गुजरे. सो जहाँ हम इनकी कहानी, इनका जर्नी सुनेंगे, वहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप एंड मैरिज पे भी बात करेंगे. सो प्यारी बानो, राइट, सही नाम है मेरी, प्यारी तो ये है लेकिन रामे का नाम भूली. भोली बानो के सेट पे दोनों की मुलाकात हुई और दोनों में कुछ अट्रैक्शन फील हुई, लेकिन हिवा ने आर्यस को बोला नो बस करें ये नहीं होना, कुछ ऐसे ही बोला था ना डायलॉग आपने, क्या बोला था? मैंने कुछ आई थिंक हम एग्जैक्टली मुझे वो सीन भी याद है, इट वॉज अ मॉन्टाज और मतलब हमें पता था कि अच्छा कुछ है और हमें नहीं भी पता था, बाकी सब में हमारे आसपास वालों सबको पता था, वो सिर्फ यूं देख के स्माइल करते थे कि अच्छा से कि कब होगा, कब सामने आएगा, बट वी वर वेरी क्लियर कि नहीं. मतलब एक मुझे याद है कि हम एक मॉन्टाज कर रहे थे नानों के घर वाला, और वो एक ये था कि यूँ ऐसे ट्रॉली पे ऐसे कैमरा चले गए थे, मेरी रिहर्सल हो रही थी कि मतलब रिहर्स हो रहा है कि हम बैठे हुए हैं और हम यूँ बैठ के बात करें और कुछ भी नहीं है, और इसने मुझे देखा है और मैंने इसको देखा है, और देख के आई थिंक 10-20 सेकेंड कुछ, तो मैं उठ के कमरे में गई हूँ जो हमारे मेकअप रूम दिल में कुछ धड़का था, मेकअप रूम में गई हूँ मैं, एंड ही इज़ लाइक क्या हुआ है, तो मैंने कहा मत करो. कहता है कि क्या, मैंने कहा तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, मेरी देखने में असल में कशिश बहुत है. मैंने देखा बाकी एक्सप्रेशन देखने वाले बहुत, तो मैंने कहा मत करो, मैं चश्मे पहन के घूमता. Oh my God, you're so funny. आज इसने कहा कि मुझे अप्रिशिएट करो. देख के मैं वहां से चली गई. अच्छा मैं वापस अपना काम कर रही हूँ, बॉटल्स वगैरह उठा रही हूँ, ठीक है कि मैंने नीचे लेके जाना, ठीक है. आई डोंट फील अप्रिशिएटेड. Why aren't you looking at me? I don't feel appreciated. Okay, एक मिनट. मैं कहा वाह क्या मुड़े हो. वाह. तो आज इस दिन दे के मतलब कितना अच्छा बैठे हुए हैं ना अरेस. आप इसे भी तारीफ करें. मैंने आप देखे मैं अभी क्या करती हूँ. बट ये ऐसे tantrums क्यों करते हैं? नहीं बहुत. हाँ हाँ. He is the one who throws tantrums. But that's so cute, isn't it cute? Oh, it's so cute. I also want to throw tantrums at times. You do? No, I don't. None When before. When was the last time? अच्छा बता. Yesterday. कब क्या? नहीं. अरे अगर है तो बता दे. अब you can't क्यों मैं बता नहीं सकता. अच्छा नहीं. ये वाला excuse नहीं. I'm the one in this relationship जो ज़्यादा मसले करता है. और अच्छा अजीब. और कहाँ करूँ? अच्छा ये वाला कौन है मेरे तुम्हारे अलावा कौन है? देखा सारे वो लोग तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा. ये देखिए बट हिबा देखें बात तो सही. और कहाँ करें? मैं कहाँ करूँ? आप भी यही करें. अच्छा क्या गोइंग बैक टू भोली बानो. समराइज कर रही थी तुम. समराइज कर रही थी मैं. तुमने कहा अप्रिशिएट करो. तुमने कहा नहीं करो नहीं देखो ऐसे. हाँ बस ये इतनी बात खत्म हो गई. मैंने कहा मत देखो इस तरह कि क्या हुआ. मैंने कहा मत करो तुम्हें पता है कि वी बोथ आंट फॉर लाइक ईच अदर और मत करो मुझे आराम से काम करने दो तुम भी आराम से काम करो ताकि हम अच्छा काम कर सकें एंड डोंट डू दिस ठीक है. हम दोनों ने नहीं किया. फिर तड़प हुआ. तड़प के बाद फिर तड़प. अच्छा तड़प में तो बहुत ही ऑफ था हमारा. कुछ ऑफ बिल्कुल बिल्कुल कुछ अट्रैक्शन कोई बातचीत कुछ नहीं. बातचीत हो रही थी ऑफ सा कुछ कुछ अजीब सा तड़प वाज आई डोंट नो वेट. ओके और फिर इंतहाई इश्क पे. फिर इंतहाई इश्क तड़प वाज इंडिविजुअली बड़ा डिस्टर्बिंग फेज था अलग अलग हमारी जिंदगी का. तो वो बस गुजर गया. वो याद भी इस तरह फास्ट नहीं है. आई वाज फतूर एट द सेम टाइम एंड आई वाज वो फेज ही गंदा.
तो इस बिटवीन इस पूरे उसमें आप लोगों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं, लेकिन दिल में कुछ कुछ था एक दूसरे के लिए. एक्चुअली वाकई मैंने अभी रियलाइज किया कि बिल्कुल कोई कांटेक्ट नहीं था. तो अरेज आपने इताइश के उस पे मतलब एकदम से जाके प्रपोज कर दिया, तो ये नहीं था यार मैं इसको थोड़ा सा और जानूं, मुझे पता हो क्या हो? नहीं, जान लिया था मैंने. अरे दो जमलों पे नहीं बात चलेगी, ज्यादा बोल. अच्छा, ज्यादा नहीं नहीं मैं ये एमसीक्यूज नहीं है. हमें अक्सर ये तासुर था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं. जैसे ही वो एक एहसास खत्म हुआ मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कुछ नहीं. आप लोगों को क्यों लग रहा था एक दूसरे के लिए ठीक नहीं? कभी-कभी अजम्पशंस होती हैं हमारे ज़हन में एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए इन जनरल. तो वो इसको भी थी मेरे लिए, मुझे भी थी. लेकिन जैसे ही वो अजम्पशंस खत्म हुई तो मेरे सामने बड़ी क्लियर चीज थी. हमेशा मैं यूजुअली आई टेल के घर में भी या कभी शादी की बात होती थी पहले, तो कितनी बुराई हर इंसान में होती है, ठीक है, बट मुझे ये देखना है कि ऐसी कौन सी बुराई है जिसके साथ मैं रह सकती हूँ. कि किसी और बंदे में बुराई हो सकती है. जैसे कुछ लोग हैं कि दे आर फाइन विद कि अगर कोई बंदा झूठ बोल रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, हाँ यार झूठ बोलता है, चलो मैं खुश हूँ. आई एम नॉट द वन. मुझे वो बंदा चाहिए जो कि मेरे साथ ऑनेस्ट. मुझे भी कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था जिसके लिए मेरा दिल करे कि मैं बदलूँ, वरना क्यों बदलूँगा. एग्जैक्टली. तो मतलब आप फिर उस हिसाब से यू साइन अप फॉर इट, राइट? सो वी वांट रेडी टू साइन अप. तो मुझे लगता है कि कोई और बहुत बड़ा डिसीजन है शादी करना. आप बहुत बड़ा डिसीजन है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट टू ऑफ अस, इट्स अबाउट आवर फैमिलीज. मतलब कुछ भी होता है, कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, एंड वंस यूर इन लाइक फैमिली और फिर आगे, मतलब आपकी आगे आने वाली जनरेशन, आपकी पहली वाली जनरेशन, सब बहुत मैटर करता है इसके अंदर, इस एक रिश्ते में. हमारे हिसाब से हम कहते हैं नहीं, हमारी उससे शादी हो रही है, उससे एक शख्स से शादी नहीं होती आपकी. बूढ़ों वाली बात होगी, ओल्ड स्कूल थॉट होगा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि उसे एक शख्स से शादी नहीं होती आपकी. उसकी पूरी, सिर्फ उसके अम्मा अब्बा से भी नहीं होती, उसकी पूरी जनरेशन से होती है, जो जिन्होंने हमने भी नहीं देखा. मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे अंदर मेरे पता नहीं जनरेशन की कौन से पुरखों की कौन सी चीज़ होगी, इसके अंदर कौन सी चीज़ होगी. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम एक मजमुआ हैं अपने पूरे खानदान का. तो यस. तो आप हैरान थी जब इन्होंने प्रपोज किया, और आप हैरान थी जब इन्होंने फौरन हाँ भी कह दी? इन्होंने हाँ इस तरह कही कि पेरेंट्स को भेज दें घर. तो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी हाँ थी. तो बस उसके बाद फिर मतलब वो जो हुआ सो, आई थिंक वो ऐसे था कि हमें पता था, एंड वी जस्ट वांटेड टू लाइक मेक इट. वो दिल में होती है ना बात कि यार कब बोलेंगे, ठीक है. तो कभी बीच में दिल नहीं चाहता था ऐसे वैसी बात करने का, या कुछ इस तरह मौका नहीं आता था? Okay. We were too caught up in our individual lives. Lives, yes. के निकल जाती थी चीजें. Would you call it love then? Yeah. Would you call it mutual understanding? People जिनको आपको लग रहा है एक दो लोग जो या ये बंदा बंदी अच्छे लग रहे हैं, मतलब हम लगता है we can get along with each other. मोहब्बत नहीं लग रही मुझे. I would definitely call it love. You will definitely 100% yes. ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कांटेक्ट में नहीं हैं? ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि यार मैं सामने वाले बंदे से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मैं इसके साथ रहा तो इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी. If I truly love you, wow, I will let you go and I'll wait. कि मतलब हाँ, it's something amazing. It was very हम बड़े सुलझे हुए से लोग. मुझे लगता है बाकी कि जो असल मोहब्बत है वो जकड़े या पकड़े रखना नहीं है. आप देखते हैं कि बंदा वापस आता है या आप जाते हो. हमें पता था. मैं कह रही हूँ मैं कहीं पे भी मिली हूँ, मैंने ओनरशिप है कि ये तो है. ओके, आगे बात करो, कोई और बात करो. ओके, तो मतलब और कभी ऐसे नहीं कि मैंने इसको कहा हो कि नहीं मुझे ये दो या मुझे ये बताओ या कुछ इस तरीके से. वी न्यू इट. तो मतलब वो था, एंड इट वाज लाइक कि हो सकता है कि जैसे लाइक यू सेड कि हाँ आप साथ काम करें, इन्फैटुएशन हो सकती है, आप साथ आप अट्रैक्ट. बीच में कहीं एक मुलाकात हुई थी हमारी जिसके बाद मुझे एहसास हुआ था कि यार इतना तो मैं कभी हंसा ही नहीं हूँ. ओह क्यूट. मतलब आई वाज जेन्युइनली हैप्पी इन दैट मोमेंट. हम कॉफी शॉप पी के निकले और हम अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया. वहाँ जो वक्त गुजरा उसमें मैं इतना हंसा हूँ. फिर मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा आई हैवन लाफ्ड दिस हार्ड इन ईयर्स. तो वो मुझे लगता है कुछ मोमेंट्स होते हैं, आप एग्जैक्टली वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि कौन सा लम्हा है जिसमें आपको मोहब्बत है. We have changed, both of us have changed as person.